ओए ओए ओए, ठंडा पानी ठंडा पानी, ओए ओए ठंडा पानी। अल्हम्दुलिल्लाह, फाइनली हम लोग जो अभी नारान पहुंच चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और आपके घर पे सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। बैक टू बैक आपका भाई जो है व्लॉग मारता जा रहा है। अभी मुल्तान में हैं और जो है मैं कल मैंने जो व्लॉग बनाया था, मैंने जो व्लॉग एडिट किया था तो मुझे टाइम लग गया था, लेकिन व्लॉग एडिट करने में टाइम लग जाता है। तो अभी मैंने कल मुल्तान में एंड किया था व्लॉग, मुल्तान से शुरू कर रहा हूँ तो मुझे आगे की मंजिल ताकि आपको मैं दिखा सकूँ। तो अभी हम होटल में हैं, तो बस सुबह हो गई है, बहुत थक गए थे रात में, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। तो अभी भी जो है ना थकावट थोड़ी थोड़ी सी है, लेकिन वो खैर सफ़र में हो जाएंगे तो फिर सेट हो जाएगी। सफ़र में हम जब चलने लगे ना तो सेट हो जाएगी। तो फिर अभी जो है माहौल ये है कि यहाँ से निकलना है सीधा, यहाँ से निकलेंगे एबटाबाद की तरफ, तो फिर सीधा वहीं जाएँगे। तो फिर साथ साथ रहिएगा, सब दिखाऊँगा। एंड तक लोग देखें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी कर दें। सो वेलकम बैक टू मोहम्मद बासित ब्लॉग्स। A few moments later. अभी जो हम लोग ना मुल्तान से निकल चुके हैं, मुल्तान से निकलने के बाद हम लोग अभी इस्लामाबाद की तरफ निकल चुके हैं, इस्लामाबाद के मुठभा की तरफ निकल चुके हैं। और हमारी जो भी मंजिल होगी अब वो मैं आपको बता दूंगा, बस अभी सफ़र बहुत लंबा है। तो फिर आराम आराम से जा रहे हैं और व्यूज़ भी मैं आपको दिखाता रहूँगा, जो भी आगे पीछे के होंगे मैं आपको दिखाता रहूँगा। यार अभी जो हम लोग हैं ना कुछ खाने के लिए रुके हुए हैं यहाँ पे, नहीं अभी हम लोग यहाँ पे रुके हुए हैं, यहाँ पे खाना खापा शापा करेंगे उसके बाद जो है ना आगे निकलने का सीन है। हम लोग इस्लामाबाद के बिल्कुल करीब हैं, इस्लामाबाद पहुँचेंगे, जो भी सीन होता है वो आप तो देखते ही रहेंगे फिर। लेकिन यार क्या है ना कि मोटर पर ना बहुत सी सहूलियात हैं, हर 150 या 200 किलोमीटर का पंप है। तो अभी हम लोग रुके हैं, खापा करते हैं, तो फिर आगे जो भी सीन होता है तो मिलते हैं वहाँ पर। तो अभी जो हम लोग इस्लामाबाद के लिए हम लोग निकल चुके हैं और हमारा रास्ता ये आपके सामने, बिल्कुल आप मनाजिर देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत और प्यारे से मनाजिर। अभी जो है हमारे ड्राइविंग कर रहे हैं भाई, मुल्तान से ड्राइविंग करते हुए आ रहे हैं। तो फिर अभी जैसे भी हम लोग इस्लामाबाद पहुँचेंगे, अभी से हम लोग इस्लामाबाद जाएंगे आगे, इस्लामाबाद से आगे जाएंगे एबटाबाद जाएंगे। तो हम लोग जो है ना एबटाबाद पहुँच के फिर वहीं पर आपसे होगी मुलाकात। जब तक आप ये मनाजिर देखते रहे मैं आपको दिखाता रहूँगा। अभी हम लोग जो है ना पहाड़ी इलाके में एंट्री मार चुके हैं, बिल्कुल आप देख सकते हैं, ये देखें आप, आपको नज़र आ रहा होगा हल्का हल्का सा माहौल है, लेकिन जो है हम बिल्कुल माहौल के साथ जा रहे हैं। रमेश भाई भी बिल्कुल चौकन्ना बैठे हुए ड्राइविंग कर रहे हैं भाई, फुल माहौल के साथ। तो हम लोग जैसे पहुँचेंगे तो फिर आपको भी वहाँ का माहौल दिखाते रहेंगे, तो साथ साथ रहिए। तो यार अभी जो है ना हम लोग कलर कहार के जो है मोटरवे पे हैं और यहाँ पे हमने फिलहाल कुछ ही मिनट्स के लिए स्टे किया हुआ है। यहाँ के मनाजिर कुछ ऐसे हैं, तो हमने स्टे इस तरह किया हुआ है क्योंकि गाड़ियों को रेस्ट देना था। अच्छा, गाड़ियाँ बहुत ऊपर चढ़ चढ़ के ना वो भी थक जाती हैं। ठीक है, चलो हम इंसान हैं, हम इंसान थक जाते हैं लेकिन गाड़ियाँ इंजन है वो भी थक भी जाता है। ठीक है, समझ गया। ओके, टायर का मसला हो जाए कुछ भी होता है, तो हमने ना जो है एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर लिए हैं। तो फिर अभी जो है हम लोग यहाँ से आगे जाएंगे, इस्लामाबाद पहुँचने वाले हैं, बस खैर से पहुँच जाएँगे, फिर वहीं जो भी माहौल होगा तो फिर आप चल जाएगा, तो चल जाए। तो जी हम लोग फाइनली हम लोग पहुँच गए, हम लोग इस्लामाबाद पहुँच गए, अभी पिंडी पे खड़े हुए हैं। इस्लामाबाद हम लोग क्रॉस करके आ गए, अभी पिंडी में हैं हम लोग। तो यहाँ पे खाने का कुछ सीन है, खाना वाना खाएंगे यहाँ पे। तो जी अभी यहाँ पे फुल आप देख रहे हैं जैसे कि ये सब माहौल है यहाँ का,
ठीक है, ऊपर ऊपर बैठ के हम लोग खाना खाएंगे। खाना खाने के बाद हमने होटल जाना है, तो होटल में जाकर रेस्ट करना है। कल सुबह हमें निकलना है बालाकोट के लिए या नारायण कागान के लिए। शोर बहुत है, खाना खाएंगे वो उसके बाद फिर आगे चलेंगे। अभी तो अभी फाइनली हम लोगों को जो ना होटल मिल गया है, होटल हमने बुक करवा लिया है। अभी जो है मैं आपको दिखाता हूँ होटल, ये रहा पीछे इस गाड़ी के पीछे, ये रहा होटल ऊपर। तो अभी होटल पे चल के भी है, चल बहुत थक गए, खाना वाना खा लिया, अभी बस होटल पे चलते हैं। तो फिर जो भी माहौल होता है बैठते हैं वहाँ पर करते हैं बात। तो हम लोग जो रात में होटल पहुँच चुके थे, तो अभी जो है ना क्या है कि हम लोग रात होटल में रहे और रात गुजार ली। अभी हम लोग पिंडी के किसी होटल पर यहीं पर रुके हुए। तो अभी हम लोगों को जो है ना यहाँ से अभी निकलना है, यहाँ से जो अभी आगे की मंजिल वहाँ जाना है। हम लोग वहाँ जाने लगे हैं, यहाँ से हम लोग शायद नारायण या कागान चले जाएँ या बालाकोट चले जाएँ, हमें कुछ नहीं पता। ये क्या है? लेकिन फिर भी देखा जाएगा क्या होता है। क्या है भाई, क्यों टहल रहे हैं भाई? देख रहा हूँ, एक्साइटेड तो नहीं हो गया कि चल रहा है? भाई तो जो है अभी सामान नीचे लेके आ गया हूँ मैं, अभी हमने गाड़ी में रखना है तो फिर हमने आगे निकलना है। तो दरअसल यार क्या सीन था कि कल हम लोगों को जाना था सीधा बालाकोट, तो हम लोग जा नहीं पाए क्योंकि रात बहुत हो गई थी। उन लोगों ने, सब फैमिली वालों ने ये डिसाइड किया कि स्टे कर लेते हैं। हमने पिंडी में स्टे किया रात में, आपने देखा होगा रात में तो मोबाइल की चार्जिंग डाउन हो गई थी। आज साथ तो मैं सो जाता हूँ क्योंकि थकावट बहुत होती है, बस सो जाता हूँ। तो जो पिछला व्लॉग है वो भी एडिट करना होता है, तो वो मैंने एडिट किया। तो अभी इसके आगे जो है ना निकलना है नारायण कागान की तरफ या बालाकोट से। हम लोग यहाँ से गुजरते हुए जाएंगे नारायण कागान, बालाकोट से गुजरते हुए जाएंगे। यहाँ से पहले चढ़ेंगे हज़ारा मोटरवे पे या मानसेरा लिंक करके, तो हम लोग जो है ना सीधा बालाकोट चले जाएंगे। तो फिर वो जो भी माहौल होगा तो फिर साथ ही साथ देखते जाएँ और फिर उसको इन्जॉय करते जाएँ। तो अभी चलते हैं, फिर गाड़ी में सामान रखते हैं तो फिर निकलते हैं। तो यार अभी हम लोग जो है ना एबटाबाद पहुंच गए, और एबटाबाद के हम लोग किसी रेस्ट एरिया पे हम लोग अभी भी हमने रेस्ट किया है समझे, अभी खड़े हो गए। तो यहाँ के मनाजिर मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत ही खूबसूरत, बहुत, लेकिन गर्मी बहुत है यार यहाँ पे, बहुत, मतलब बनिस्बत मुल्तान के यहाँ पे थोड़ी सी कम गर्मी है, लेकिन है गर्मी, इसका मतलब ये नहीं है कि गर्मी नहीं है। तो फिर ये आप देख सकते हैं यहाँ का माहौल, ये देख चारों तरफ मैं आपको दिखा देता हूँ ना फिर। तो फिर इस वजह से यहाँ पे जो है ना माहौल बनते रहेंगे, और जो है अभी मोटरवे की वीडियोस में नहीं भर पा रहा कभी कभी, तो मैं सारी जो है ना आपको दिखा ही दूंगा। तो फिर अभी जो है ना हम लोग नारायण की तरफ जा रहे हैं। ये जो रोड है ना, ये सारा ये नारायण का रोड है, ये रास्ता सीधा नारायण की तरफ जाता है। तो अभी हम लोग रास्ते में ही हैं, नारायण पहुंचेंगे। यहाँ से कोई 100 किलोमीटर दूर है, लेकिन जो है ना ऊपर की वजह से हम लोग स्लो स्लो जा रहे हैं, स्पीड इतनी नहीं हो रही, तो टाइम लग जाएगा, शाम हो जाएगी। तो शाम पहुँचते हुए नारायण में जो है ना फिर मिलेंगे। जो है ना हम लोग कागान पहुंच चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कागान के हम लोग एक रेस्टोरेंट पर रुके हुए जो है, जिसका नाम है शिनवारी रौनक रेस्टोरेंट कागान। तो ये रहा, यहीं पे खाना खाएंगे, और यहाँ का मैं आपको ज़रा माहौल चेक करा दूँ। शिव भाई खड़े हुए सामने ये चेक करें आप ये। तो अभी हम लोग चलते हैं वहाँ पे सामने, तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ अभी चलते हैं। यार दरअसल क्या है ना कि यहाँ पे अभी मौसम में थोड़ा बदलाव आया है, मौसम चेंज हो रहा है। और ओए हो ठंडा पानी
ठंडा पानी। तो मौसम भी चेंज हो चुका है और मज़ा भी बहुत आ रहा है। अभी अभी जो है ना, पहले गर्मी हो रही थी लेकिन अभी गर्मी नहीं हो रही। और यहाँ के आबशार देखें आप, ये पानी पता है कहाँ से आ रहा है? ये वो ऊपर से आ रहा है, वो आप गाड़ी देख रहे होंगे जाते हुए, तो ये पानी वहाँ से आ रहा है। ठीक है ना, तो बिल्कुल ही माहौल है, माहौल के साथ हम लोग जो है ना यहाँ पर चिल कर रहे हैं। तो आगे हम लोग जाएंगे कागान के पास, आता है नारायण, तो लोग नारायण जाएंगे, स्टे भी वहीं पर होगा, तो फिर इंशाल्लाह वहीं भी मिलते हैं। बस ब्लॉग देखते हैं और लाइक भी करते हैं, शेयर भी करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं। तो मिलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली हम लोग अभी नारायण पहुंच चुके हैं, अपनी मंजिल की तरफ हम लोग पहुंच चुके हैं। और यहाँ के जो सीन्स हैं वो कुछ ऐसे हैं, यहाँ के सीन्स ऐसे हैं कुछ। तो फिर अभी हम लोगों ने डिसाइड करना है कि हम लोग अभी कौन सा होटल जाएंगे, कहाँ स्टे करना है, कौन सा होटल चूज करना है। सुबह कौन सा होटल, आपने क्या क्या सीन है? फिर कुछ नहीं पता भाई, देखेंगे फिर पता चलेगा। शुभ भाई बोले देखेंगे फिर पता चलेगा। लेकिन सर्दी तो है, आपको फील हो रही होगी ना? बिल्कुल ठंड बहुत है ना। तो अभी जो होटल पे स्टे करेंगे तो फिर वहीं पे आपसे जो है ना बातें होंगी कुछ। ठीक हो गया। A few inches later. तो अभी हम लोग जो है ना नारायण के रोडों पे घूम रहे हैं और यहाँ पे सिर्फ हम लोग वॉन्डरिंग ही कर रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है क्या करना है क्या नहीं करना। क्या बटकराई का मुर्गा, बटकराई का मुर्गा कौन रमेश भाई आप खिला रहे? यस यस। ओके डन हो गया, फिर तो मुर्गा खाएंगे शुभ भाई। मुर्गी ना मुर्गी ना चले वे। खैर तो अभी हम लोग जो है ना यहाँ पे घूम रहे हैं। देखा यार, ओए होए, सोच रहे हैं कि हम लोग जो है ना बट कढ़ाई पे, बट टिक्का कढ़ाई पे खाना खा लें, बहुत भूख लगी हुई है वैसे। बोलो आए यहाँ। हाँ तो यार, जो भी तुम लोग बैठे हो ना घर पे, तो अगर तुम लोग इतनी गर्मी हो रही है ना, तो थोड़े से ना पैसे खर्च करके आ जाओ भाई। नहीं, यहाँ पे नारायण आ जाओ, कागान आ जाओ, बहुत ही सर्दी है यहाँ पे। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है, मैंने मुझे मज़ा वहाँ से आने लगा जब हम लोगों ने ना हज़ारा मोटरवे पकड़ा, बहुत मज़ा आने लगा हमने, वो क्या मज़ा आ रहा था। फिर आ जाओ भाई घूमने, आ जाओ भाई, हमें तो फिर अब्बा घुमा रहे, आप लोग अपने अब्बा घुमाएंगे, है ना रमेश भाई? बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर शिव भाई आगे चलें? तो अभी आगे चलते हैं, देखते कहाँ खाना खाते हैं, फिर खाना भी खाओ। छोटी मोटी तफरियाँ हैं होती रहती हैं, तो आप जो है ना इंजॉय करते हैं, कोई मसला नहीं है। ये जो है ना एक भी टूर का हिस्सा है, तो फिर ये इंजॉय होना चाहिए। अभी कुछ खापा करने के लिए सोच रहे हैं, तो देखते हैं क्या बनता है, फिर खाना खाते हैं। मतलब जो है खापे का सीन हो चुका है, बिल्कुल हमारे सामने और हमारे बहुत ही ये सेटअप पड़ा हुआ है यार, हमें हाथ हटा पे ये यार होटल जाएंगे वहाँ पे सुकून करेंगे। ये देखा जो है ना, देखें यार, लोग भी देख रहे हैं, आप लोग देखें, लाइक करें, शेयर करें, ये तो दिखा दो क्या दिखाऊँ। और यार ये देखो, बहुत ओए होए ग्रोस मंगाया हमने, बहुत वाह, हमें उन्होंने एक्स्ट्रा दे दिया, फिर हम वो समझ रहे हो ना। हाँ यार गाइस, जो है ना अब मैं जो है होटल आ चुका हूँ, ठीक है, और घूम फिर के आ गए हैं, बहुत थक भी गया हूँ, बस सोने का सीन हो रहा है, बस तो बहुत थकावट हो रही है। और ये होटल के सीन्स हैं कुछ,
ये जो आपको सन्नाटे में आवाज़ सुनाई दे रही है ना, ये पानी की आवाज़ है, ठीक है। तो अब जो है सोने का सीन है, तो फिर अगला ब्लॉग भी जल्दी आएगा, तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर रहा हूँ। तो लाइक करें, शेयर करें इस वीडियो को और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करेंगे तो फिर और अच्छी अच्छी वीडियोज़ आएंगी। तो फिर अल्लाह हाफिज़।